आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कैसे आपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपका वोटर कार्ड पुराना हो या आपने अभी नया अप्लाई किया हो। मैं दोनों को बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका क्या न्यू प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना EIC लिख के सर्च कर देना है और यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिंपल सा आपको इसी पे टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे यहाँ पे एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा, डाउनलोड EPIC कार्ड। इस पे आपको सिंपल सा टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे ये आज उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहां से आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहां पे एक ऑप्शन आपके सामने शो करेगा EPIC डाउनलोड, यानी EPIC डाउनलोड। यहां से आप अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा आपको इस पे टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। अगर आपने यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपनी एक आईडी बना लेना है। आईडी बनाने के लिए जो ऊपर एक ऑप्शन शो कर रहा है साइन अप वाला, इसी पे आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा आईडी बनाने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है और ईमेल आईडी अगर आपकी हो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सिंपल सा कैप्चा यहाँ पे इंटर कर लेंगे, उसके बाद सिंपल सा कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लिया है, कैप्चा कोड इंटर कर लिया। अब सिंपल से इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा आपको अपना फर्स्ट नेम भर लेना, यहाँ पे लास्ट नेम इंटर कर लेना। यहाँ पे आप जो भी अपना आईडी का पासवर्ड बनाना चाहते हैं पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है, वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP टिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको वेरीफाई कर लेना है और जहाँ से आपकी आईडी यहाँ से बन के तैयार हो जाएगी। अब मान लो आपकी आईडी तैयार हो चुकी है। अब वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको इसी EPIC वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपने वहां पे जो मोबाइल नंबर इंटर किया था यानी जिस पे OTP आया था वहां यहाँ पे इंटर कर लेंगे और इसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है और सारा कुछ डालने के बाद सिंपल सा आपको रिक्वेस्ट OTP टिक कर देना है। हमने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर लिया, पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया और कैप्चा कोड का सेम टू सेम आपको यहाँ पे कॉपी कर देना और उसके बाद रिक्वेस्ट OTP टिक कर देना है। जैसे आप रिक्वेस्ट OTP टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है और OTP को इंटर करने के बाद सिंपल सा आपको वेरीफाई एंड लॉगिन पे टिक कर देना है। तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर साइड में आपका नाम भी शो करेगा यानी आपने लॉगिन कर चुके हैं यहाँ पे। अब वोटर कार्ड को डाउनलोड करने के लिए एक जो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है EPIC डाउनलोड, इसी पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। वोटर कार्ड आप यहाँ पे दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अपना वोटर कार्ड नंबर पता है सिंपल सा आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है। अगर आपने अभी ऑनलाइन कराया है, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो रेफरेंस नंबर के लिए आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना है और यहाँ पे आपको स्टेट का चुनाव कर लेना है। जैसे कि मेरे पास मेरा वोटर कार्ड नंबर है, सिंपल से मैं EPIC नंबर पे टिक करेंगे और यहाँ पे अपना वोटर कार्ड नंबर इंटर कर लेंगे। और अपना वोटर कार्ड नंबर इंटर करने के बाद नीचे आपको अपना स्टेट का चुनाव कर लेना है। जो भी आपका यहाँ पे स्टेट आता है नीचे आपको देख लेना, जैसे मेरा स्टेट MP है तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का चुनाव कर रहा हूँ। और उसके बाद सिंपल सा आपको जो सर्च वाला ऑप्शन शो कर रहा है इसी पे आपको टिक कर देना है। और जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। आपका वोटर कार्ड नंबर हो गया, नाम हो गया, आपका एड्रेस हो, स्टेट हो, सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आप यह भी देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है ताकि आपको यकीन हो जाए हाँ ये मेरा ही वोटर कार्ड है। तो और उसके बाद आपको सिंपल सा करना है क्या, जो सेंड OTP वाला ऑप्शन शो कर रहा है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप सेंड OTP टिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपके नंबर पे एक OTP जाएगा और जिसे सिंपल सा आपको यहाँ पे इंटर कर लेना, इंटर OTP फिर वेरीफाई कर देना है।
और उसके बाद आपका ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपल सा इस कैप्चा कोड को इंटर कर लेना जैसा लिखा हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे टिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपका वोटर कार्ड है वो आपका डाउनलोड हो गया है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और इसका आप ऑलरेडी हर जगह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने वोटर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे भी इस तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।